दुनिया में अगर बात किया जाए हवा की, ऑक्सीजन की, तो लगभग ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है जो 78.8% लमसम है। लेकिन अगर बात किया जाए ऑक्सीजन तो लगभग 20.95% ऑक्सीजन है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ से बनता है, तो बता दें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एक समुद्र से ही बनता है। दरअसल उसमें प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया होती है जो लगातार उसमें कंटिन्यू चल रहा होता है, जिसमें धाराएं और कुछ नीचे से उठ रहे उफानों के कारण उससे बहुत सारे ऑक्सीजन तेज़ी से बाहर की ओर स्रावित होते हैं और वो समझिए तो पूरे दुनिया में स्रावित होते हैं और इसी कारण से ऑक्सीजन बन पाता है। क्योंकि वातावरण में जितने पौधे या जितने ऑक्सीजन है जो वातावरण में घूम रहे हैं वो हमारे लिए कम ही पड़ जाएंगे और इसीलिए हमें ज़्यादातर पेड़ लगाने की आवश्यकता है और इसीलिए हमारे वातावरण में कहीं ना कहीं अलग अलग शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ऑक्सीजन की मात्रा कम जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो रही है। धूल कण, फैक्ट्रियाँ और अलग अलग चीज़ें हैं जो तेज़ी से गंदगी को बाहर की ओर फेंक रहे हैं, लेकिन कुछ पौधे यहाँ पर कम पड़ रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बनाने में मदद कर पा रही है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर ऐसे वीडियोस आपको देखनी है या जाननी है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।